कैनवास पे है। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रॉयल आर्ट पे। कैनवास पे मैंने लाइट ग्रीन पेंसिल से ड्राइंग करके उसके बाद में बर्नट अम्बर कलर से मैंने फर्स्ट फिलिंग की है। ड्राइंग को थोड़ा क्लियर किया है ताकि बाद में कलरिंग करते टाइम ड्राइंग कहीं पे मिस ना हो जाए। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हॉगर ब्रश। ये देखिए, ये हॉगर ब्रश है, बहुत ही सस्ता ब्रश है दोस्तों, मैंने 20 रुपीज़ में ख़रीदा था शॉप से। दोस्तों वैसे तो मैं मेरे पेंटिंग में बैकग्राउंड पहले नहीं करता, बाद में ही करता हूँ, लेकिन ये रेफरेंस जो ऐसा है इसमें मुझे ऐसे लगा कि मैं पहले बैकग्राउंड अच्छे से कंप्लीट करूँ, उसके बाद में मैं जो भी डिटेल वर्क है वो कंप्लीट करूँ। तो सैप ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक और वाइट मिक्स करके मैंने ये बैकग्राउंड कंप्लीट किया है। कई जगह पे मैंने थोड़ा सा येलो भी ऐड किया है। यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ स्किन टोन के लिए बर्नट सीना, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड करके, और धीरे धीरे इसी शेड में मैं दूसरे शेड बना के ऐड करके स्किन टोन बनाऊंगा, जैसे कि नेपल्स येलो है, सैप ग्रीन है। ड्राई ब्रशिंग मेथड में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कैनवास पे हम लोग जो शेड बनाते हैं वो कलर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होता जैसे पेपर पे होता है, इसलिए मैं ड्राई ब्रशिंग मेथड यूज़ करता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमल का सिंथेटिक हेयर ब्रश और अरोरा का सिंथेटिक हेयर ब्रश। आप देख सकते हो ऑरेंज में मैंने नेपल्स येलो और थोड़ा सा वाइट कलर ऐड किया है। फोरहेड वाला जो पार्ट है वहाँ पे थोड़ा लाइट है, बाकी बॉडी के हिसाब से फेस पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं ये शेड यूज़ कर रहा हूँ ऑरेंज में, थोड़ा सा नेपल्स येलो और वाइट। कई जगह पे मैं सैफ्रन कलर भी ऐड कर रहा हूँ हल्के से, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे दोनों आँखों के जो बीच में नोज वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने उसमें से हल्का सा सैप ग्रीन कलर ऐड करके शेड बनाया है। नोज पे जो लाइट आ रहा है उसके लिए मैंने लेमन येलो में थोड़ा सा व्हाइट ऐड किया। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ बोरवेल, ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा इस पेंटिंग में। जब मैं पेंटिंग के लिए रेफरेंस ढूंढ रहा था पिंटरेस्ट पे, तो स्क्रॉल करते करते अचानक मेरी नज़र इस पिक पे, रेफरेंस पिक पे आके स्टॉप हो गई, और तभी मैंने डिसाइड किया कि इसका मैं पेंटिंग बना लूँ और वो भी कैनवास पे। तो बोरवेल में मैंने जो शेड यूज़ किए हैं, एक तो नेवी ब्लू यानी प्रशियन ब्लू कलर है, वॉयलेटिश है, ग्रीनिश है, ऑकर कलर है, ब्राउनिश है, थोड़ा सा ऑरेंज भी है, ऐसे सब शेड मैंने यूज़ किए हैं बोरवेल के लिए। और जो सर के जो बाल है उसके लिए मैंने क्रिम्जन रेड में ब्लैक मिक्स करके डार्क शेड बनाई है, और लाइट के लिए वॉयलेट उसमें थोड़ा सा ब्लैक और वाइट, ऐसा करके मैंने शेड बनाया है। ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा दोस्तों क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे इस पेंटिंग में जो इंटरेस्टिंग पार्ट लगा वो है बोरवेल और बच्चे के हाथ में से गिरता हुआ पानी। यहाँ पे थोड़ा डार्क शेड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये विलेज का सीन है, विलेज में जो बच्चे रहते हैं गांव में जो धूप में खेलते हैं उसकी वजह से उनके स्किन पे एक टैन आ जाता है, और वही शेड वही स्किन टोन मैंने बनाने की कोशिश की है इस पेंटिंग में। क्रिम्जन रेड में थोड़ा सा स्कारलेट, बर्न सीना और नेपल्स येलो, ऑरेंज, ऐसे शेड मैंने बनाए हैं। ये देखिए लाइट के लिए थोड़ा सा ऑकरिश ऑरेंजिश शेड। कुछ जगह पे जो डिटेल वर्क रहता है और उसके ऊपर जो हाईलाइट रहती है उसके लिए मैं टेक्सचर वाइट यूज़ करता हूँ, और वो उसका थिकनेस भी वैसे ही रहता है नॉर्मल कलर से ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मुझे टेक्सचर वाइट बहुत पसंद है, खास करके जब मैं कैनवास पे पेंटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं जो ये पार्ट कर रहा हूँ
ये मुझे इस पेंटिंग में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा और जिसके लिए मैंने ये पेंटिंग करना चाहा या डिसाइड किया था मैंने कि मैं इसका पेंटिंग बना लूँ, उसकी वजह यही है जो मैं अभी ये पार्ट कर रहा हूँ। बच्चे के हाथ में से गिरता हुआ पानी, पानी वैसे तो पानी को कोई कलर नहीं रहता या टेस्ट भी नहीं रहता, बट उसका हेवीनेस जो है वो दिखाने की कोशिश मैंने की है। जो बूंदे है वो गिर रही है, फिर उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन है और ट्रांसपेरेंसी है वो सब दिखाने की मैंने कोशिश की है। काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाइड हूँ इस पेंटिंग से, जैसे मुझे चाहिए था वैसे रिजल्ट मिल गया है। और कैनवास पे हमेशा स्पेशल ही रहता है मेरे लिए, जब भी मैं कैनवास पे पेंटिंग करता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि कलर ब्लेंड अच्छे से होता है, कैनवास पे टेक्सचर रहता है। कई जगह पे आप अपने फिंगर से भी ब्लेंड करोगे तो वो भी अच्छे से हो जाता है और पेपर की तरह वो फटने के चांसेस भी कम रहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रेश कलर ऐड कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड करते टाइम भी आपको ध्यान में रखना है कि पेंटिंग को डिस्टर्ब ना हो जाए, ऐसे शेड यूज़ करें। यहाँ पे देखो हाथ पे जो पानी के बूंदे गिर रहे हैं और पानी में जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं दिखा रहा हूँ, उसके लिए मैंने ब्रंट सेना कलर और नेपल्स येलो में वाइट कलर ऐड करके शेड बने हैं। आप नज़दीक से देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट टेक्सचर वाइट यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट के लिए। दूर से अगर आपको ऐसे भी दिखता हो लेकिन पेंटिंग अगर आप देखोगे दूर से तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, नज़दीक से भले ही थोड़ा सा टेक्सचर दिखे आपको। ये देखिए अगर दूर से आप देखोगे इस पेंटिंग को तो एक अलग ही मज़ा है देखने का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा पेंटिंग पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।